हाल में कुछ काला नहीं, लेकिन इस दीवार पर जरूर कुछ काला है। कैसे भूल गया, अब्बू की घर की दीवारें कैसे टूटेंगी? खुफिया दरवाजा है तो उसे तोड़ने के लिए कोई खुफिया तरीका भी होना चाहिए। ये उल्टा क्यों टंगा हुआ है? वो सीधा है, ये उल्टा है, उसको सीधा कर दो। तेरे अब्बू दुनिया से दो कदम आगे थे, घर से निकलने का एक खुफिया रास्ता बनाकर रखा था उन्होंने। क्या दरवाजा है और उस पर वही निशान है जो इस चाबी पे है। कमाल है वाकई, तुम्हारे इस घर को हमने क्या खूब सजाया है उमर। कभी कभार तो हम सोचते हैं कि एक इंसान में हमें इतना हुनर कैसे हो सकता है। वैसे 20 साल पहले इसी घर में हमें उस जादुई चिराग का आधा जला हुआ नक्शा मिला था, तो अब जाहिर सी बात है कि इस घर में हमें कोई और आवाज भी मिल सकते हैं। अम्मी, आपकी दुआओं की जरूरत है। रत्न जल्दी वापस आ गया, कहीं उसने अपना इरादा तो नहीं बदल दिया? कौन हो सकता है? कहीं ये
दरवाजा हमारी किस्मत का दरवाजा तो नहीं? यहाँ आ तो गए, लेकिन अगर काले चोर ने हमें देख लिया तो वो हमसे यहाँ आने की वजह पूछेगा। हमारे पास कोई वजह ही नहीं होगी और फिर वो हम पे हंसेगा और फिर हम उससे नाराज हो जाएंगे और फिर हम दोनों झगड़ा करेंगे। हमें पता करना होगा कि काला चोर यहाँ है या नहीं। अगर वो यहाँ नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर वो यहाँ है तो फिर हम चुपचाप वापस महल चले जाएंगे। देखिए तुम, इतना बड़ा गोदाम और लगता है चोर यहाँ क्या कर रहा है? कहीं उसे उम्र के बारे में पता तो नहीं चल गया? लगता है वक्त आ चुका है इस काले चोर को मीर के पास भेजने का। इस चाबी से तो मैं खुफिया कमरे तक पहुंच गया, लेकिन रास ढूंढना इतना आसान नहीं। चाबी, कहीं ये चाबी उसे मीर ने तो नहीं दी? खाला जान तो सो रही है।
आवाज कहाँ से आ रही है? क्या ला? शिकजिनों के खराटों की आवाज तो हिंदुस्तान तक पहुंचती होगी। बेचारी खाला जान कैसे सोती होंगी इन खराटों की वजह से। यास्मीन, तुम यहाँ शेख जिनू के खराटों के बारे में नहीं पूछने आए हो, तुम ये जानने आए हो कि अलादीन कहाँ है? हमें शेख जिनू को जगाना होगा। क्या पता वो अलादीन कहीं यहीं छुपा हो। कौन है? कौन है? छुआ है। अम्मी हमेशा कहती है जैसे पुराने घर में ना ये चलाक और बदमाश चूहे बहुत होते हैं। अरे चूहे, तुम्हारी उम्र हो गई है, क्या तुम यहाँ पर खंडर में कर रहे हो? जाओ जाकर वलीर के सपने देखो। चलो यहाँ से। डरा दिया मुझे। पता नहीं कहां से क्या मिल रहा है। बाप रे, तो बहुत बुरा है। प्यारे प्यारे समोसों, मेरा नाम प्यार से लो, बोलो जीनू जीनू। शिकजिनू उठिए, शिकजिनू। क्या करें क्या करें? चिड़िया ने क्या बिगाड़ी की? कुछ और सोच। बिल्ली की आवाज सिखा दे। बिल्ली का कुछ नहीं बिगाड़ने वाली। यास्मीन, बिल्ली के चाचा को बुलाते हैं। मुझे मत खाना, मैं मत खाने। फिर से सो गए और क्या हाथी की आवाज निकाले हम। शेर की आवाज से नहीं, लेकिन पापड़ से तो आप वो भी देखेंगे। ये मछली तो पानी में होती है, दीवार पे क्या कर रही है? वो भी चमकती हुई।
फिटी की तुम। राज तक पहुंचने का दूसरा दरवाजा भी इसी चाबी से खुलेगा। मैं मंदिर के बहुत करीब हूं, खुल जा खुदा के लिए खुल जा। काला चोर कहाँ गायब हो गया? कहते हैं हर अंधेरे के आगे उजाला होता है। इस अंधेरे के आगे हमारे लिए क्या उजाला लिखा है? काला चोर कहाँ चला गया? ये अजीब सी आवाजें कहाँ से आ रही हैं? बेटे की तो उड़ती हुई किताब, ये किताब है या कबूतर? वो भी इस रोशनी के अंदर,
ऐसी नायाब चीज तो मैंने आज तक नहीं देखी। क्या ये वही राज है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं? राज? कहीं ये वही राज तो नहीं जो मैं पिछले 20 सालों से ढूंढ रहा हूं?